हेलो, मैं दीपमाला श्रीवास्तव आपको आज सब्ट्रैक्शन विद वरो के बारे में इंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बोरो लिखा हुआ है, बोरो का यहाँ पे बोरो को शो करने के लिए 085 में कैरी फ्लैग का ही हम लोग यूज़ करते हैं, कैरी फ्लैग का ही यूज़ करते हैं बोरो को, जो कि बोरो है या नहीं ये चीज़ हम लोग कैरी से होते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग सब्ट्रैक्शन में आपका कैरी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो कैरी फ्लैग को ही हम लोग बोरो और कैरी दोनों के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन विथ बोरो में तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं आपके 805 में। एक है आपका SVBR, SVBM, SVI 8 बिट डेटा, ठीक। SVBR की बात करें तो R का मतलब होता है आपका ABCDEHL, ये जितने भी रजिस्टर्स हैं 8 बिट के वो हम इस R की जगह पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट सब्ट्रैक्ट होता है रजिस्टर के कंटेंट से और साथ ही साथ आपका बोरो, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरो। और रिजल्ट जो आपका आता है वो आपका एक्यूमुलेटर में जाता है। अगर सिमिलरली अगर हम लोग SVBM की बात करें तो यहाँ पे M का मतलब है आपका मेमोरी लोकेशन, M का मतलब है आपका मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन इंडिकेटेड बाय या पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डेटा पॉइंटर के लिए HL रजिस्टर पेयर कही रहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका डेटा जो एक डेटा है वो आपका मेमोरी लोकेशन में स्टोर है और जो कि आपका इंडिकेट कहाँ कर रहा है, एड्रेस आपका HL पेयर के थ्रू आपका एड्रेस का कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये क्या करेगा, आपका कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन एंड द बोरो फ्लैग इज सब्ट्रैक्टेड विद द एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। सिमिलरली अगर हम लोग SVI की बात करें 8-bit डेटा, तो इसमें आपका कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 8-bit डेटा एंड ऑल्सो बोरो एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखने की, ये जो आपका सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो ये हमेशा आपका इंटरनल जो वर्क होता है वो हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है। किस मेथड से होता है, मैं कोशिश से कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है, मतलब इसकी जो इंटरनल हार्डवेयर जो लगा हुआ है वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू लगा, एड्रेस सब्ट्रैक्टर का वो हार्डवेयर इस 8085 के अंदर चिप पे है। तो माइक्रोप्रोसेसर टू कॉम्प्लीमेंट मेथड से करता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं ये एग्जांपल आपका इस वाले स्ट्रक्चर को लेके करती हूँ। तो ये आर की जगह हम लोग मैं ले रही हूँ आपका SVBB, मतलब बी रजिस्टर, इसमें से कोई भी रजिस्टर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बी रजिस्टर लिया हुआ है और सपोज कर रहे हैं कि बिफोर द एग्जीक्यूशन आपका ए के कंटेंट है 37H एंड बी के कंटेंट हैं 3FH एंड कैरी फ्लैग है आपका 1, ठीक। मतलब कि बोरो इसमें इंडिकेटेड है 1। तो ये किस तरीके से इंटरनल ऑपरेशन करेगा, सबसे पहले ये क्या करता है माइक्रोप्रोसेसर कि ये आपका यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, a माइनस b माइनस कैरी इक्वल टू, ये रिजल्ट किसमें आएगा आपका एम, ठीक। तो यहाँ पे आपका बी के कंटेंट और कैरी फ्लैग ये दोनों ही आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट से आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हम क्या माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लेता है और ऐड करने के बाद फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट से उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन विद टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस एग्जांपल के लें तो हम क्या करें कि बी के कंटेंट ए माइनस बी, तो बी और कैरी फ्लैग को ऐड करेंगे तो बी के कंटेंट है आपका 3F और सी कैरी फ्लैग के कंटेंट है आपका
वन, तो ये ऐड हुआ तो ये आ गया आपका 40H। ठीक, दैट मीन्स कि हम पहले निकालेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40H। तो इसका अगर हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले जो नंबर होता है उसको इन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसका उसमें प्लस वन करते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपका नंबर आएगा 1100000। ठीक, अब टूज कॉम्प्लीमेंट 40H, अब इसको हम लोग एक्यूमुलेटर के कंटेंट में, आपका नंबर है क्या, नंबर है आपका एक्यूमुलेटर कंटेंट 37H, 37H से इसमें को इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो 37H का हो जाएगा आपका 0011011। इसको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 1110011। ठीक है, एक मिनट, 1110111। और यहाँ पे आपका जो कैरी आ रही है एडिशन के बाद वो क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक, तो ये क्या करता है माइक्रोप्रोसेसर, जो ये कैरी आती है इसको फिर कॉम्प्लीमेंट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कैरी। ठीक, तो कैरी के कंटेंट आ जाएगा 1, और ये आपका आंसर हो गया F7, मतलब A के कंटेंट आपका F7 आ जाएगा। अब ये जो इतना मेथड है ये आपका माइक्रोप्रोसेसर करेगा, मतलब दैट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आपका कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और F7H होगा। अगर कैरी 7-1 है तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका निगेटिव है, और मीन्स कि टूज कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अगर इसको आपको ओरिजिनल नंबर देना है तो इस रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर लेते कि जिसमें कि आपका जो कैरी है वो आपका 0 आता, और हमें तो यही दिखेगा माइक्रो, ये जो ये सारे काम है वो माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली कर रहा है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। अगर हमें ये 0 आता रिजल्ट में तो इसका मतलब होता है जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव नंबर है, और जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है वो आपके ओरिजिनल फॉर्म में है। ओके, और अगर यही सेम एग्जांपल हम लोग इसके साथ भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस होगा कि जो आपका दूसरा ये नंबर है ये इस वाले में ये बी रजिस्टर में था, यहाँ पे आपका ये मेमोरी लोकेशन पे होगा इस तरीके से। ये आपका मान लीजिए कि HL के कंटेंट है आपका 2050H, तो ये आपका कहाँ होगा, आपका ऐसे इस मेमोरी लोकेशन पे आपका स्टोर होगा, ये 3F। ठीक, और कैरी 1 नहीं रहेगी, और इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो आपका एक्यूमुलेटर में आएगा। बस यहाँ पे ये कि ये आपका मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। सेम एग्जांपल को हम इसके साथ भी दे सकते हैं। अगर हम लोग इस वाले को देखें तो इसमें क्या होगा आपका कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट और आपका जो नंबर है यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा SBI, ये जो सेकंड नंबर है वो इंस्ट्रक्शन में ही हम लोग 8-bit का डेटा मेंशन कर देंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ पर ही 3FH ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आपके बार यही कैरी आउट करेगा यही फंक्शन, और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, बोरो सबट्रैक्टिव में, बोरो में भी आपके जितने भी फ्लैग्स होते हैं ऑल द फ्लैग्स ऑफ द 8085 विल बी अफेक्टेड, मतलब इसके ऑपरेशन के बाद इसके अकॉर्डिंगली आपके जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपके सारे फ्लैग्स आपके अफेक्ट करेंगे। इन सब के जितने भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं में सभी में करते हैं, केवल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आपके नहीं करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि इसके क्या एड्रेसिंग मोड्स हैं, इनकी कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है और कितनी मशीन साइकिल्स हैं, तो इसमें आ जाते हैं। तो अब देखिए, एड्रेसिंग मोड यानी का बहुत आसान तरीका है, ये आपका ऑपरेंड जो है वो किसके बीच में है, आपका रजिस्टर्स के बीच में हो रहा है ऑपरेशन, इसलिए यहाँ पे जो एड्रेसिंग मोड होगी वो आपकी एड्रेसिंग मोड होगी आपकी रजिस्टर, यहाँ पे आपकी एड्रेसिंग मोड होगी इनडायरेक्ट, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आपकी मेमोरी, दूसरा डेटा आपका मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, और मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वो आपका किसके थ्रू मेंशन है, एचएल रजिस्टर पेयर के थ्रू मेंशन है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगी, और इसमें आपका ये आपका डेटा इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो एड्रेसिंग मोड होगी वो होगी आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और आ जाते हैं बाइट पे, तो ये इंस्ट्रक्शन में कोई भी 8-bit की वैल्यू वाली की भी नहीं दिख रही है, तो ये कैसा इंस्ट्रक्शन है, 1-byte इंस्ट्रक्शन। ये कैसा इंस्ट्रक्शन है, ये आपका ये भी 1-byte इंस्ट्रक्शन, कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं दिख रही है। ये देखिए अब इसमें एक 8-bit की वैल्यू यहाँ लिखी हुई दिख रही है, इसलिए ये आपका 2-byte का इंस्ट्रक्शन। ठीक, और क्या चीज़ देखते हैं, मशीन साइकिल, मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल के लिए इस इंस्ट्रक्शन में ये 1-byte का इंस्ट्रक्शन है, और इसका फंक्शन इंटरनली केवल ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें केवल आपकी एक ही मशीन साइकिल होगी, 1 machine cycle। कौन सी आपकी, ऑपकोड फैच। ठीक है, एक ये मशीन साइकिल ज़रूर होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, ऑपकोड फैच। और अगर इसको देखें तो इसमें आपका 1-byte का इंस्ट्रक्शन है, ये मेमोरी लोकेशन में 1-byte लेगा, तो एक ऑपकोड फैच हो जाएगी, और दूसरी जो होगी इसका ऑपरेशन क्या है कि मेमोरी से डेटा को रीड करा दूसरे डेटा को, तो इसमें 2 machine cycles होनी चाहिएंगी, एक होगी आपकी ऑपकोड फैच और दूसरी होगी आपकी मेमोरी रीड। सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें भी आपकी 2 machine cycles होंगी, ये 2-byte का इंस्ट्रक्शन है, तो मेमोरी में 2 locations लेगा स्टोर होने के लिए, तो इसमें भी 2 machine cycles हो जाएंगी आपकी ऑपकोड फैच एंड मेमोरी रीड। ठीक, इसमें आपके हर ऑपकोड फैच में आपके 4 T state होते हैं, तो इसमें 4 T state, इसमें आपको फैच में 4 T state और मेमोरी रीड में आपके 3 T state, तो टोटल आपके 7 T state। इसमें आपके तो इसमें भी आपके टोटल 7 T state रहेंगे, सभी मेमोरी रीड में इतनी 3 states होते हैं। तो ये हो गया आपका इसका अब, और सारे जितने भी फ्लैग्स होंगे वो आपके इसमें इफेक्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपका दूसरे स्ट्रक्चर्स के, अरिथमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ। ओके, नमस्ते, बाय।